इस मौके पर भरत चंद्र महतो, कानूराम हेम्ब्रम, अनुज मिश्रा, अमृतपति, चेतन मांडी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। राजनगर प्रखंड के सीजू लता में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। सड़क पूरी तरह छोटे बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में संबंधित विभाग से कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे लोग काफी आक्रोशित है। पुलिया का सामने जो रोड पानी का बाढ़ से जो गड्ढा हो गया है, कहीं सारा समस्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा, कहीं गिर जा रहा आदमी लोग, और किसान लोग को खेती उती में धान उन टालने के लिए, चलाने के लिए ट्रैक्टर हो चाहे बैलगाड़ी हो, दिक्कत होता है। और जो ठेकेदार लिया है ये रोड को जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए, वो सोचे। और ये 5 किलोमीटर तक आदमी जाने वाला ऐसा रोड है कि 5 किलोमीटर अंदर में भी गांव है, आना जाना वाला है। बड़ा सिजलोता पंचायत का अंतर्गत ही वाला रोड बना हुआ है और जाके फुवड़ी में निकला हुआ है। ये रोड बहुत दूर से आदमी आता जाता है, रात में भी आता है, दिन में भी आता है। और इतना बड़ा गड्ढा हो गया है रोड में, ठेकेदार को सोचना चाहिए कि कहाँ गड्ढा हुआ हम बनाएं, वो प्रयास नहीं कर रहा है। और किसान लोग को भी और गाँव वाला ग्रामीण लोग को भी आना जाना में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए कितना आदमी एक्सीडेंट हुआ है। तब जाके बात आगे बढ़ा और मीडिया जी को हम लोग बुला करके। क्या नाम हुआ आपका? भरत महाकुड़। क्या समस्याएं हो रही है? हमारे बड़ा सिजुलता पंचायत में, बड़ा सिजुलता गांव से ईटा पकड़ तक जाने वाले 8 किलोमीटर की रास्ता पर हमारे जो सड़क बना है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत से, वो बहुत ही खराब है। जिसमें सिजुलता के नीचे जो जमीन है, बेड़ा जमीन है, उस जगह पर मैंने पुल तो इतना धस गया है कि जहाँ पर रोड से ही रोड धस गया है। और आने जाने का आदमी का बहुत ही दिक्कत हो रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, गवर्धन उच्च मध्य विद्यालय पढ़ने में, उसमें भी आए दिन बहुत ही गड्ढा में गिर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बैल चराने इधर आते हैं, गैल बैल सब भी यहाँ पर गिर जाता है। और इस रोड को बहुत जल्दी इसको बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत कितने दिन से गड्ढा हुआ है ये? 6 महीना लगभग हो गया ये गड्ढा होके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जल्दी ही रोड तो बन जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नरेंद्रनाथ महतो। और कहाँ के रहने वाले आप? जाम बने के रहने वाले हैं। और भारतीय राजनगर में पारा शिक्षकों की हड़ताल पर चले जाने से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। शिक्षकों के नहीं होने कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होने लगी है, शीघ्र ही हालात को काबू कर लिया जाएगा। आज कितना सर आए हैं? 2। एक 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 और एक सर कहाँ गए हैं? तबीयत खराब है। अच्छा, आज नहीं आए हैं? नहीं। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? आकाश हमरे। अच्छा, कितना में पढ़ते हैं? 5। 2 टीचर। और एक टीचर कहाँ गए? उसका थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण नहीं आए। क्या नाम है उनका जो नहीं आए हैं? देखो देखो। अच्छा, क्या है वो स्कूल के क्या है? HM है। अच्छा, क्या आपको सूचना दी है लिखित? लिखित सूचना नहीं दिए हैं, तो तबीयत खराब है पूरा। अच्छा, थोड़ा देर बाद लेटर लेके आएंगे। अटेंडेंस कॉपी कहाँ है? सर के पास है। सर के पास तो नहीं रहना चाहिए, स्कूल का बात है, स्कूल में रहना चाहिए। स्कूल का है तो मुखिया के गए थे। क्यों उड़ जाएगा? यहाँ तो रहना चाहिए रजिस्टर। क्या करने लगे है? मुखिया को दिखाने दो, हम लोग इतना दिन हड़ताल में था, उसके बाद हम लोग ज्वाइन किए। टीचर हड़ताल में है और कितना वापस आ गए? 412 पारा टीचर का। अच्छा, 148 योगदान कर लिए है ना, 264 सर। अभी हम लोग उधर निरीक्षण करके आ रहे थे कुछ स्कूल में सर, जैसे बड़ा का की NPS बंद पाया गया, कोई बच्चे भी नहीं थे, टीचर भी नहीं थे सर।
65 स्कूल में जो पारा टीचर पर फुल्ली संचालित है ना, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन प्रखंड विकास पदाधिकारी जो प्रखंड शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिया गया है कि अपने स्तर से व्यवस्था बना के वहाँ माने क्या कहते हैं टीचर को सिलेक्ट करके और पठन पाठन सुनिश्चित कराइए और मध्याह्न भोजन बच्चों को दीजिए। सर आपका केंद्र मोड़ी सर स्कूल हम लोग गए थे NPS, वहाँ पर सर जो कि HM नहीं मिले है, वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया, टीचर से बात हुआ, उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो अटेंडेंस कॉपी भी अपने घर में रखा था। हम लोग पूछे अटेंडेंस तो स्कूल में रहना चाहिए जो रजिस्टर होता है, ऐसा क्या है कि घर में रखना पड़ता है? केंद्र मोड़ी NPS जी, तो NPS वो तो पारा टीचर माने स्ट्राइक में होंगे वहाँ के। अच्छा, है ना, स्कूल में रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन तो हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है उन लोगों को कि भाई आप अपने स्तर से मैनुअल बनाइए। आज हम बगराईचाई नवनिर्मित स्कूल में गए थे, वहाँ पर हमने पाया केवल 5 ही स्टूडेंट आए हैं और कोई टीचर नहीं है, और स्कूल पूरा खुला हुआ है। किसके भरोसे खुला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? NPS जी हाँ, तो वहाँ वही बताया नहीं आपको कि डायरेक्शन दिया हुआ है कि वहाँ के अध्यक्ष और ये संजय जी का और समिति के लोग अपने स्तर से शिक्षक की व्यवस्था करेंगे, पठन पाठन सुनिश्चित कराएंगे और मध्याह्न भोजन बच्चों को। जबकि उस समय संयोजिका भी नहीं आई थी, मैं गया था 11:30 आसपास, वहाँ कोई नहीं था, केवल 5 बच्चे थे। मैंने जब बच्चे से पूछा तो बोला हम लोग केवल खाना खाएंगे और चले जाएंगे, स्कूल में कोई टीचर नहीं है। कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया, क्या कहेंगे? इसको हम देख लेते हैं अपने स्तर से, है ना, फिर से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इसको जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।